आने जा रहे हैं मिनी मैक्स सर्च एल्गोरिथम गेम प्लेइंग के रिस्पेक्ट में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनी मैक्स यह परफेक्ट प्ले है फॉर डिटरमिनिस्टिक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गेम्स के लिए। इसमें क्या आइडिया होता है? आइडिया यह होता है कि आपको चूज़ करना है मूव टू पोजिशन विथ हाइएस्ट मिनी मैक्स वैल्यू, जिससे आपको बेस्ट अचीवेबल पे ऑफ मिलता है अगेंस्ट बेस्ट प्ले। एग्जाम्पल के लिए यदि आपके पास कोई टू प्लेयर गेम है तो प्रत्येक बार क्या होगा, एक प्लेयर का एक ही मूव होगा। मान लीजिए मैक्स हमारे पास क्या हम ले रहे हैं, थ्री। मैक्स क्या ले रहे हैं, थ्री। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो मूवमेंट होगा वो या तो फर्स्ट रो में होगा, सेकेंड रो में होगा या थर्ड रो में होगा। तो यदि फर्स्ट रो में कुछ मूवमेंट होगा तो उसका जो पे ऑफ हम ये मान के चलते हैं मिनिमम पे ऑफ हमको थ्री मिलेगा। यदि सेकेंड रो में कोई मूवमेंट होगा तो उसका मिनिमम पे ऑफ हमको मिलेगा टू, और थर्ड रो में यदि कोई मूवमेंट होगा तो उसका मिनिमम पे ऑफ मिलेगा हमें टू। मान लीजिए तो इस तरीके से होगा। तो यदि अपोनेंट कोई मूव करता है, अपोनेंट हमारा मूव क्या है, ए वन पे है, फर्स्ट रो में है, तो अपोनेंट का मान लीजिए पॉसिबल मूव क्या होगा, ए वन वन, यानी कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम। तो हमें जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा थ्री। और यदि मान लीजिए अपोनेंट का मूव होगा ए वन ट्वेल्व, ए ट्वेल्व, यानी कि अपोनेंट का मूव क्या है, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम, तो हमें जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा ट्वेल्व। और मान लीजिए अपोनेंट का जो मूव है वो है ए वन थ्री, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो हमें जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा एट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमें अभी तक जो मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा था वो मिल रहा है ट्वेल्व। अब ए टू वाले केस पे चलते हैं जहाँ पे मिनिमम पे ऑफ मिल लिया गया है टू। यदि अपोनेंट मूव करता है ए टू वन में, यानी कि सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में कोई मूव करता है, तो हमें जो मिनिमम पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा टू। अब यदि अपोनेंट का जो मूव होता है ए ट्वेंटी टू, यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो हमें जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा फोर। यदि अपोनेंट मूव करता है सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, यानी कि ए ट्वेंटी थ्री, तो हमें जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा सिक्स। अब ए थ्री वाले जो ए थ्री वाले में केस में चर्चा करते हैं जहाँ पे मिनिमम पे ऑफ है टू। मान लीजिए अपोनेंट मूव करता है थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में, यानी कि ए थर्टी वन पे, तो जो हमें पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा फोर्टीन। और यदि अपोनेंट मूव करता है ए थर्टी टू में, यानी थर्ड रो के सेकंड कॉलम में, तो हमें जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा फाइव। और मान लीजिए अपोनेंट मूव करता है थर्ड रो के थर्ड कॉलम यानी कि ए थर्टी थ्री पे, तो हमें जो पे ऑफ मिलेगा वो मिलेगा टू। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भले ही जो मिनिमम पे ऑफ है ए थ्री में वो टू है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम जो पे ऑफ रखा गया टू, लेकिन यदि अपोनेंट की मूव ए थर्टी वन पे होती है तो हमें मिलेगा 14, जो कि हाईएस्ट पे ऑफ होगा, जहाँ पर हमारे जीतने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। आइए अब डिस्कशन करते हैं मिनी मैक्स एल्गोरिथम के बारे में। तो एक इसमें एक फंक्शन होता है मिनी मैक्स डिसीजन स्टेट नाम का, जो कि रिटर्न करता है एक एक्शन को। इसमें इनपुट होता है स्टेट यानी कि वह होता है करंट स्टेट इन अ गेम, और रिटर्न होता है द ए इन एक्शन स्टेट, जिससे कि मैक्सिमाइज होता है मिन वैल्यू, रिजल्ट होता है ए स्टेट। फंक्शन मैक्स वैल्यू के लिए स्टेट रिटर्न करता है क्यूटीटी स्टेट। यदि टर्मिनल स्टेट होता है, टर्मिनल टेस्ट स्टेट होता है, तो रिटर्न होता है यूटिलिटी स्टेट, जहाँ पे होता है वी माइनस इन्फिनिटी फॉर ए एस इन सक्सेसर स्टेट डू वी मैक्स मैक्स वी मिन वैल्यू एस रिटर्न वी। फंक्शन मिन वैल्यू स्टेट रिटर्न्स करता है यूटिलिटी स्टेट। यदि टर्मिनल टेस्ट स्टेट होता है तो रिटर्न होता है यूटिलिटी स्टेट। वी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी फॉर ए एस इन सक्सेसर स्टेट डू वी मिन वी मैक्स वैल्यू एस रिटर्न वी। अब हम डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मिनी मैक्स के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना ही हो सके।
मिनी मैक्स की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती कंप्लीट। यस मिनी मैक्स कंप्लीट होगा जब ट्री फाइनाइट हो, यानी कि ट्री में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो फाइनाइट हो। ऑप्टिमल मिनी मैक्स कब ऑप्टिमल होगा, यह एक ऑप्टिमल अपोनेंट के अगेंस्ट ऑप्टिमल होगा, अदरवाइज हो सकता है कि नहीं हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो मिनी मैक्स सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है OBM। मिनी मैक्स सर्च की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है OBM, और इसमें डेप्थ फर्स्ट एक्सप्लोरेशन होता है। चेस के लिए B=35, M=100 फॉर रीजनेबल गेम्स क्या होता है, एग्जिट सॉल्यूशन कम्प्लीटली इनफिजिबल होता है। क्या हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक्सप्लोर करें एवरी पाथ को, जैसे कि अल्फा बेटा प्रूनिंग में आप एग्जांपल ये देख सकते हैं कि हम रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके चाइल्ड नोड पे जा रहे हैं और उस चाइल्ड नोड के और अदर सक्सेसर पे जा रहे हैं, जो कि हो सकता है 3, 12 और 8। अल्फा बेटा प्रूनिंग एग्जांपल में आप ये देख रहे हैं कि जो रूट नोड के बाद जो आपको 3 वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर ये मान के हम चल रहे हैं कि ये मिनिमम पे ऑफ है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको और एक्सप्लोर करते हैं तो आपको 3 के अलावा और भी पे ऑफ मिल रहे हैं 12 और 8। तो यहाँ जो मैक्सिमम पे ऑफ जो आप अचीव कर सकते हैं वो होगा 12। अल्फा बेटा प्रूनिंग एग्जांपल को यदि आप और फर्दरली उसमें कंडीशन डालें, जैसे कि मान लीजिए हम मैक्स ले रहे हैं कि हमारा जो रूट नोड है वो है ग्रेटर देन इक्वल 3 होना चाहिए, तो हम किस में जाएंगे, लेफ्ट साइड से जो यदि आप चालू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिल रहा है मिनिमम 3 वाला पे ऑफ मिल रहा है। यदि आप इसको फर्दरली एक्सप्लोर करेंगे तो आपको 3 और सक्सेसर मिल रहे हैं। फर्स्ट सक्सेसर का जो पे ऑफ है वो है 3, सेकेंड सक्सेसर का जो पे ऑफ है वो है 12, और थर्ड सक्सेसर का जो पे ऑफ है वो है 8। तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम जो पे ऑफ मिल रहा है वो मिल रहा है 12। यदि आप अल्फा बेटा प्रूनिंग को और थोड़ा सा डिटेलिंग करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट नोड की जो वैल्यू हमने क्या ली है, मैक्स ग्रेटर देन इक्वल 3। तो यहाँ पर यदि आप लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो हम एक को एक्सप्लोर करने के बाद मिला है मिनिमम पे ऑफ 3। यदि आप इसको और एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर आपको 3 सक्सेसर मिलेंगे, 3, 12 और 8। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम पे ऑफ हुआ 3 और मैक्सिमम पे ऑफ हुआ 12। और यदि आप इसके और पॉसिबिलिटीज़ में जाएं, जैसे कि लेस देन इक्वल 2, तो आपको पहला जो नोड मिलेगा वो मिलेगा 2, ये हुआ इसका फर्स्ट पे ऑफ। और जो अदर जो पे ऑफ है वो भी पॉसिबल हो सकते हैं। यदि आप मैक्स ग्रेटर देन इक्वल 3 को और इस कंडीशन को और चेंज करें तो क्या हो सकता है, वो लेस देन इक्वल 14। तो यदि आप लेस देन इक्वल 14 पे जा रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल सकता है, मैक्सिमम पे ऑफ अभी तक का वो मिल सकता है 14। और मान लीजिए अब मैक्स जो लेस देन इक्वल 14 इस कंडीशन को चेंज करके हम ले रहे हैं लेस देन इक्वल 5, तो जो हमारा जो थर्ड चाइल्ड है लेस देन इक्वल 5 वाला, उसको यदि हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें 2 पे ऑफ मिलेंगे, एक मिलेगा 14 और दूसरा मिलेगा 5। तो इसमें कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है इसके अकॉर्डिंग, 5 वाली। और मान लीजिए आप मैक्स वाले कंडीशन को में से ग्रेटर देन इक्वल 3 को हटा के उसको सिंपली कर रहे हैं 3, और इसी के थर्ड चाइल्ड को आप लेस देन इक्वल 5 से हटा के कर रहे हैं 2। तो आप यह देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट चाइल्ड है 3, इसके 3 सक्सेसर हैं 3, 12 और 8, जहाँ पे आपको मैक्सिमम पे ऑफ मिला 12। और जो सेकेंड चाइल्ड है लेस देन इक्वल 2 वाला, उसमें आपको एक्सप्लोर करने पर मिल रहा है 2 और 2 रेंडम वैल्यूज़ मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो थर्ड चाइल्ड है जहाँ पे आपने चेंज किया था, सबसे पहले लेस देन इक्वल 14 को फिर चेंज किया लेस देन इक्वल 5 में, और लेस देन इक्वल 5 को चेंज किया हमने 2 में, तो यहाँ पर आपको 3 सक्सेसर मिल रहे हैं 14, 5 और 2। तो यहाँ जो सबसे मिनिमम पे ऑफ होगा वो होगा 2। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसे अल्फ़ा बीटा क्यों बोल रहे हैं। तो आप मैक्स से चालू करते हैं मिनिमम पे, जहाँ पे आपको कोई अल्फ़ा वैल्यू मिलती है, और इसी पे आप मैक्स पे भी जाते हैं और आपको कोई मिनिमम में वी मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फ़ा जो होता है बेस्ट वैल्यू होता है टू मैक्स, जो अभी तक मिला हुआ होता है करंट पाथ से। यदि वी जो है वर्स देन अल्फ़ा होता है तो मैक्स अवॉइड करता है इट और प्रून करता है उस ब्रांच को। प्रून करने का मतलब होता है उस ब्रांच को या तो हटा देना या टेम्परली हाइड कर देना। डिफाइन किया जाता है बीटा सिमिलरली फॉर मिन के लिए।
अल्फा बीटा एल्गोरिथम। तो अल्फा बीटा एल्गोरिथम में आप यह देख सकते हैं कि एक अल्फा बीटा डिसीजन नाम का फंक्शन डिफाइन किया जाता है जो होता है स्टेट के लिए। यह रिटर्न करता है एक एक्शन को, रिटर्न किया जाता है ए इन एक्शन स्टेट और मैक्सिमाइज किया जाता है मेन वैल्यू रिजल्ट ए स्टेट में। फंक्शन मैक्स वैल्यू स्टेट अल्फा बीटा रिटर्न करता है एक यूटिल स्टेट को। इनपुट होता है इसमें स्टेट और करेंट स्टेट गेम का। अल्फा क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर मैक्स अलॉन्ग द पाथ टू स्टेट। और बीटा होता है द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर मिन अलॉन्ग द पाथ टू स्टेट। यदि टर्मिनल टेस्ट स्टेट होता है तो उसके बाद रिटर्न किया जाता है यूटिलिटी स्टेट को। और वी होता है माइनस इन्फिनिटी फॉर ए एस इन सक्सेसर स्टेट डू वी मैक्स वी मिन वैल्यू एस अल्फा बीटा। इफ वी ग्रेटर दैन इक्वल बी तो रिटर्न होता है वी अल्फा लेस देन मैक्स अल्फा वी, रिटर्न होता है वी। फंक्शन इसमें क्या होता है? मीन वैल्यू स्टेट अल्फा बीटा, रिटर्न होता है यूटिलिटी स्टेट जो कि सेम होता है एज मैक्स वैल्यू, लेकिन इसमें होता है बट विथ रोल्स ऑफ अल्फा बीटा रिवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यह सेफ होता है, प्रूनिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है फाइनल रिजल्ट पे। गुड मूव ऑर्डरिंग से इम्प्रूव होता है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रूनिंग। परफेक्ट ऑर्डरिंग की मदद से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ बी की पावर एम बाई टू और डबल्स होता है सॉल्वेबल डेप्थ। एक सिंपल एग्जांपल ऑफ द वैल्यू ऑफ रीजनिंग अबाउट विच कंप्यूटेशंस आर रिलेवेंट जो कि एक फॉर्म होता है मेटा रीजनिंग का। अनफॉर्चुनेटली 35 की पावर 50 स्टिल इम्पॉसिबल है। अब हम डिस्कशन करते हैं सॉल्वड गेम्स के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। सॉल्व गेम्स के बारे में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक गेम को हम बोलेंगे सॉल्व यदि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को आप कंप्यूट कर सकते हैं। टिक टॉक टू को हम ट्रिवियली सॉल्व कर सकते हैं। बिगेस्ट जो सॉल्व गेम था वो अभी तक का था वो था चेकर्स। इसके लिए प्रूफ दिया गया था बाई शेकस्पियर इन 2007। उसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स को फोर्स किया जाएगा एटलीस्ट से ड्रॉप के लिए। मोस्ट गेम्स जैसे कि चेस गो एट्सेट्रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं टू बी सॉल्व होने के लिए। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रिसोर्स लिमिट्स के बारे में। रिसोर्स लिमिट, इसमें एक स्टैंडर्ड अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ किया जाता है कट ऑफ टेस्ट टर्मिनल टेस्ट के स्थान पर, एग्जाम्पल डेप्थ लिमिट जिसमें शायद हो सकता है क्वी साइंस सर्च, और यूज़ किया जाता है ईवेल इंस्टीड ऑफ यूटिलिटी यानी कि ईवेल्यूएशन फंक्शन जो कि एस्टिमेट करता है डिजायरेबिलिटी ऑफ पोजीशन को। मान लीजिए हमारे पास 100 सेकंड है और हमें एक्सप्लोर करना है 10 की पावर 4 नोड्स पर सेकंड। तो 10 की पावर 6 नोड्स पर मूव इक्वल 35 की पावर 8 बाई 2। अल्फा बीटा रीच करेगा डेप्थ 8 जो कि प्रिटी गुड चेस प्रोग्राम है। ईवेल्यूएशन फंक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ब्लैक को मूव करना है तो वाइट स्लाइटली बेटर पोजीशन में होगा, और यदि वाइट को मूव करना है तो ब्लैक हो सकता है विनिंग में हो। तो चेस के लिए जो टिपिकल लीनियर वेटेड सम ऑफ फीचर्स होता है वो होता है ईवेल एस इक्वल W1F1S प्लस W2F2S प्लस डैश 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 प्लस W1F1S। एग्जांपल के लिए F1S का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइट क्वींस माइनस नंबर ऑफ ब्लैक क्वींस। इवेल्यूएशन फंक्शन फॉर चेस में हम ये देख सकते हैं कि आपको लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग चेस करना पड़ता है। इवेल्यूएशन ऑफ पोजीशन जो कि इंक्लूडेड होता है चेस स्ट्रेटजी बुक में, वह यह होता है कि बिशॉप इज वर्थ 3 पॉन्स, नाइट इज वर्थ 3 पॉन्स, रूक इज वर्थ 5 पॉन्स एंड गुड पॉन पोजिशन इज वर्थ 0.5 पॉन्स, किंग सेफ्टी इज वर्थ 0.5 पॉन्स एटसेट्रा। और पॉन काउंट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वेट फॉर फीचर्स के लिए। यदि हमको सीखना है इवेल्यूएशन फंक्शन के बारे में, एक गुड इवेल्यूएशन फंक्शन को डिज़ाइन करने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। साथ में आपको मशीन लर्निंग अप्रोच का इस्तेमाल करना होता है जिसमें आपको कलेक्ट करना होता है एक लार्ज डेटाबेस ऑफ गेम प्ले, नोट फॉर ईच गेम वो वन, और ट्राई करना होता है टू प्रेडिक्ट गेम आउटकम फ्रॉम फीचर्स ऑफ पोजिशन। लर्न वेट का इस्तेमाल होता है इसमें, और इसमें लर्न इवेल्यूशन फंक्शन का इसका इस्तेमाल होता है फ्रॉम सेल्फ प्ले। कुछ कंसर्न इसमें होते हैं जैसे कि होता है क्वीसेंस जिसमें पोजीशन इवेल्यूशन फंक्शन रिलायबल नहीं होता यदि बोर्ड अनस्टेबल होता है। एग्जांपल के लिए चेस क्वीन लॉस्ट हो सकता है नेक्स्ट रूम में। डीपर सर्च ऑफ गेम चेंजिंग मूव्स रिक्वायर्ड होता है। हॉरिजॉन इफेक्ट,
एडवर्स मूव डिलेड हो सकता है लेकिन अवॉइडेड नहीं हो सकता। सर्च प्रीफर मे बी प्रीफर हो सकता है टू डिले इवन इफ कॉस्टली। फॉरवर्ड प्रूनिंग, इसमें यह आइडिया होता है कि हमको अवॉइड करना होता है कंप्यूटेशन ऑन क्लियरली बैड मूव्स। कट ऑफ सर्चेस होता है विद बैड पोजिशन बिफोर दे रीच मैक्स डेप्थ, और यह रिस्की होता है इनिशियली। इन्फीरियर पोजिशन लीड होता है टू बेटर पोजिशन। बीम सर्च, इसमें एक्सप्लोर किया जाता है फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रॉमिसिंग मूव्स डीपर। लुकअप इंस्टीड ऑफ सर्च, इसमें होता है लाइब्रेरी ऑफ ओपनिंग मूव्स। इवन एक्सपर्ट चेस प्लेयर यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड ओपनिंग मूव्स को। ये मेमोराइज हो सकता है और फॉलोड हो सकता है अनटिल डाइवर्जेंस। एंड गेम, यदि कुछ पीसेस लेफ्ट हैं तो ऑप्टिमल फाइनल मूव्स कंप्यूटेड किए जा सकते हैं। चेस एंड गेम विद 6 पीसेस लेफ्ट सॉल्व किया गया था 2006 में, और एंड गेम यूज़ किया जा सकता है इंस्टीड ऑफ इवेल्यूएशन फंक्शन। डिग्रेशन, एग्जैक्ट वैल्यू डू नॉट मैटर। मान लीजिए हमारे पास दो सिनेरियो हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हम स्टार्ट करते हैं मैक्स से, और यहाँ पे आपके लिए दो, मान लीजिए अपोनेंट का मूव है 1 और 2, तो हमें जो पे ऑफ क्या मिल सकता है, इधर 1 और 2 और 2 और 4। और मैक्स में यदि हम चालू करते हैं रूट नोड से, तो मिनिमम पे मान लीजिए अपोनेंट का मूव है 1 और इधर 20, तो हमें जो पे ऑफ मिल सकता है 1 के केस में या इधर 1 और 20, और 20 के केस में 20 और 400 मिल सकता है। बिहेवियर प्रिजर्व होता है कोई भी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवेल में। ओनली द ऑर्डर मैटर्स, पे ऑफ डिटर्मिनिस्टिक गेम में एक्ट करता है एज एन ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शन। डिटर्मिनिस्टिक गेम्स इन प्रैक्टिस, चेकर्स। चाइनुक ने एंडेड किया था 40-year रेन ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियन मैरियन टिन्सले को 1994 में। इसमें यूज़ किया गया था एंड गेम डेटाबेस, जिसमें डिफाइन किया गया था परफेक्ट प्ले फॉर ऑल पोजिशन, और इसमें इन्वॉल्व हुआ था 8 और फ्यूअर पीसेस ऑन द बोर्ड, जिसमें टोटल ऑफ 4437484012 पोजिशन का इस्तेमाल हुआ था। वीकली सॉल्व हुआ था इन 2007, वीकली सॉल्व इन 2007 बाई शेफर, जिसमें क्या किया गया था, गारंटी ड्रॉ को दिया गया था। चेस में डीप ब्लू ने डिफीट किया था ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को 1-6 गेम मैच में 1997 में। डीप ब्लू ने इसके लिए सर्च किया था 200 मिलियन पोजिशंस पर सेकेंड, और यूज़ किया था बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इवेल्युएशन और अनडिस्क्लोज मेथड फॉर एक्सटेंडिंग सम लाइंस ऑफ सर्च अप टू 40 प्लाई गो। 2016 में एक कंप्यूटर जिसने कि इस्तेमाल किया था न्यूरल नेटवर्क फॉर द बोर्ड इवेल्युएशन फंक्शन, वह एबल था टू बीट द ह्यूमन गो चैंपियन फॉर द फर्स्ट टाइम। गिवन द ह्यूज ब्रांचिंग फैक्टर बी ग्रेटर देन 300, तो गो वॉज कंसिडर्ड टू डिफिकल्ट फॉर मशीन्स। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं गेम्स ऑफ चांस के बारे में, जैसे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स, जैसे कि बैकगैमन भी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम है, जिसमें हम क्या करते हैं, टू डाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, और टू डाइसेस का इस्तेमाल करने से जो आपके टोटल दोनों डाइसेस को मिला के जो वैल्यूज़ आएंगे वह फिक्स नहीं हो सकते हैं। यदि दोनों डाइसेस को मिला के 6 आ जाए तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, इस तरीके से भी आ सकता है। और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स इन जनरल के बारे में। नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स में चांसेस इंट्रोड्यूस होता है बाय डाइस, और इसमें कार्ड शफलिंग का इस्तेमाल होता है। सिंप्लीफाइड एग्जांपल विद कॉइन फ्लिपिंग, मान लीजिए आप कॉइन फ्लिपिंग में ले रहे हैं, तो मैक्स में हम चांस क्या ले रहे हैं, 3 और -1, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 0.5 को 4 पार्ट्स में, और जो मिनिमम पे ऑफ क्या ले रहे हैं 2, तो मैक्सिमम मिनिमम पे ऑफ क्या हो सकता है 2 और 4, 4 के केस में पे ऑफ क्या हो सकता है 7 और 4, 0 के केस में 6 और 0, और -2 के केस में 5 और 2। एल्गोरिथम फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स, एक्सपेक्टिव मिनीमैक्स देता है परफेक्ट प्ले। मिनीमैक्स की तरह एक्सेप्ट हम ऑल्सो हैंडल करते हैं चांस नोड्स। यदि स्टेट एक मैक्स नोड है तब रिटर्न होगा हाईएस्ट एक्सपेक्टिव मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ सक्सेसर स्टेट्स। यदि स्टेट एक मिन नोड है तब रिटर्न होगा लोएस्ट एक्सपेक्टिव मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ सक्सेसर्स। यदि स्टेट एक चांस नोड है तब रिटर्न होगा एवरेज ऑफ एक्सपेक्टिव मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ सक्सेसर स्टेट। प्रूनिंग इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम ट्री, एक वर्जन ऑफ अल्फा बेटा प्रूनिंग पॉसिबल होगा, जहाँ पर ऊपर दिए गए जो आपका ट्री है उसी को ही अल्फा नॉन डिटर्मिन अल्फा बेटा प्रूनिंग के वर्जन में कन्वर्ट किया गया है।
तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लिए गए हैं, जो रेड से है उन वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट लिया गया है। प्रूनिंग विद बाउंड्स, ज़्यादा प्रूनिंग अकर्स हो सकता है, यानी यदि हम बाउंड करेंगे लीव्स वैल्यू को 0, 1 और 2 में। मान लीजिए एक रूट नोड है जिसके दो चाइल्ड हैं -2 और -2, दोनों साइड 0.5 0.5, तो जो आपके ऑपोनेंट के मूव क्या हो सकते हैं, -2 2 -2 2 -2 2 और -2 2। यदि आप प्रूनिंग विद बाउंड्स को कंटिन्यू करते हैं तो -2 और -2 को फर्दर एक्सप्लोर करने के बाद आपको 2 मिल सकता है, और 2 2 को फर्दर एक्सप्लोर करने के बाद आपको 2 बार 2 मिल सकता है। यदि आप फर्स्ट चाइल्ड के राइट सक्सेसर को दोबारा एक्सप्लोर करें तो आपको 1 बार और 2 मिल सकता है, और यदि हम फर्स्ट चाइल्ड के राइट सक्सेसर की जो वैल्यू उसको चेंज करें 1 1 पे तो आपको मिल सकता है 2 और 1, और यदि हम राइट चाइल्ड के फर्स्ट लेफ्ट सक्सेसर को एक्सप्लोर करें तो हमें मिल सकता है -2 0 और 0। नॉन डिटरमिक गेम्स इन प्रैक्टिस में हम यह देखते हैं कि यदि डाइस रोल इंक्रीज होता है बी, तो 21 पॉसिबल रोल्स हो सकते हैं विद 2 डाइस। बैकगैमन में हो सकता है 20 लीगल मूव्स, जिसमें हो सकते कैन बी 600 विद 1 1 रोल, और डेप्थ 4 में यदि हम लेंगे तो 21 × 20³ = 1.2 × 10⁻¹। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग ए गिवन नोड श्रिंक्स होता है, और वैल्यू ऑफ लुक अहेड डिमिनिश्ड होता है। अल्फा बेटा प्रूनिंग ज़्यादा लेस इफेक्टिव है, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीटी जेमन यूज़ करता है डेप्थ टू सर्च प्लस वेरी गुड इवन वर्ल्ड चैंपियन लेवल डिग्रेशन। एग्जैक्ट वैल्यू मैटर करती है, जैसे कि मैक्स के लिए आप यदि डाइस की वैल्यू 2.1 और 1.3, तो इसमें मान लीजिए अपोनेंट का मूव है और इसमें 2.1 में 0.9, इन सभी को यदि आप ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा मेन में 2 3 1 4 20 30 1 और 400। तो जो पे ऑफ होगा वो होगा 2 2 3 3 1 1 4 4 20 20 30 30 1 1 400 400। बिहेवियर प्रिजर्व होता है ओनली बाय पॉजिटिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इवेल, हेंस इवेल इवेल प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सपेक्टेड पे ऑफ। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, गेम्स ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल कार्ड गेम्स जहाँ पे अपोनेंट के इनिशियल कार्ड अननोन होते हैं। टिपिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी फॉर ईच पॉसिबल डील, सीम्स लाइक हैविंग 1 big dice roll एट द बिगनिंग ऑफ द गेम। आइडिया क्या होता है कि कंप्यूट करना होता है आपको मिनी मैक्स वैल्यू ऑफ ईच एक्शन इन ईच डील, उसके बाद चूज करना होता है एक्शन विथ हाइएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर ऑल डील्स। स्पेशल केस क्या होता है कि इसमें एक एक्शन ऑप्टिमल होता है फॉर ऑल डील्स या ऑप्टिमल होता है। कॉमन सेंस काउंटर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मान लीजिए रोड ए लीड्स करता है टू ए स्मॉल हीप ऑफ गोल्ड पीसेस डॉलर में, रोड बी लीड्स टू ए फोर्क, टेक द लेफ्ट फोर्क, और आप फाइंड कर सकते हैं माउंट ऑफ ज्वेल्स, यानी कि आपको ज़्यादा डॉलर्स मिल सकते हैं, या फिर आप टेक कर सकते हैं राइट फोर्क और आपको एक बस से भागना होता है। रोड ए पे जाने पे आपको मिलेगा स्मॉल हीप गोल्ड पीसेस, रोड बी से आपको लेना है फोर्क, उसके बाद लेना है लेफ्ट फोर्क और आपको बस से भागना है, उसके बाद आपको लेना है राइट फोर्क और आपको मान लीजिए आपने राइट फोर्क लिया तो आपको मिलेगा माउंट ऑफ ज्वेल्स। यह मैटर नहीं करता कि ज्वेल्स राइट लेफ्ट में है या राइट में रोड बी में, यह हमेशा एक बेटर चॉइस होगा। रोड ए पे जाने से आपको मिलेगा स्मॉल हीप ऑफ गोल्ड पीसेस और रोड बी से लीड्स होगा टू ए फोर, गैस करना है आपको करेक्टली और आप फाइंड करेंगे माउंट ऑफ ज्वेल्स। गैस यदि आप इनकरेक्टली करेंगे तो आपको आप बस से भाग सकते हैं, यह मैटर नहीं कर सकता कि कौन सा फोर्क होगा रोड बी पे। प्रॉपर एनालिसिस, इंट्यूशन से आपको यह पता चलता है कि वैल्यू ऑफ एन एक्शन क्या होता है, एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू हो सकता है। इन ऑल एक्चुअल स्टेट्स क्या हो सकते हैं, रॉन्ग हो सकते हैं। पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी से वैल्यू ऑफ एन एक्शन डिपेंड करेगा ऑन द इंफॉर्मेशन स्टेट और बिलीफ स्टेट द एजेंट इज इन, जनरेट कर सकता है एंड और सर्च कर सकता है एक ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेट, लीड्स कर सकता है टू रैशनल बिहेवियर जैसे कि एक्टिंग टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सिग्नलिंग टू वंस पार्टनर, एक्टिंग कर सकता है रैंडमली टू मिनिमाइज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। कंप्यूटर पोकर एक हार्ड गेम है जिसमें इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें इंक्लूडिंग होता है ब्लफिंग और ट्रैपिंग, और इसमें स्ट्रैटेजिक आउटकम्स हो सकते हैं
कार्ड्स को आप रेंडमली ड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है, हम नहीं देख सकते हैं दूसरे प्लेयर का हैंड जब वो फोल्ड होगा। नॉन कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर पॉसिबिलिटी होती है कोलाइजेशन के लिए, फ्यू मूव्स जैसे कि फोल्ड, कॉल, रेज होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोचेस्टिक स्टेट हो सकते हैं। रिलेटिव बैलेंस ऑफ डिसेप्शन प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वेन टू ब्लफ, कोई सिंगल बेस्ट मूव नहीं होता इसमें। नीड टू मॉडल अदर प्लेयर्स स्टाइल, कोलूजन पैटर्न, हार्ड टू इवेल्यूएट, नॉट जस्ट विन लॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपोनेंट्स। अब एक समरी देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है कि गेम्स में वर्क करना बहुत ही मज़ेदार होता है, वो इलस्ट्रेट करते हैं सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AI। परफेक्शन अनअटेनेबल होता है, आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते, हमेशा अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा भरे कर सकते हैं। गुड आइडिया होता है यह सोचना कि अदर्स क्या सोचते हैं, गुड आइडिया होता है यह सोचना कि आपको कैसे सोचना है। अनसर्टेनिटी कॉन्स्टेंट्स होता है असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू स्टेट में, और ऑप्टिमल डिसीजन डिपेंड होता है ऑन इन्फॉर्मेशन स्टेट नॉट रियल स्टेट। गेम्स आर टू AI एज ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग इज टू ऑटोमोबाइल डिज़ाइन। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।